गुदुलिया पे गिर गई अंजना उपकश्यप, जनता ने लगाए मोदी के दलाल है के नारे। जनता के सामने शर्मसार हुई अंजना उपकश्यप, गोदी मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा। वीडियो देश भर में हो रहा है वायरल, पूरा देश उड़ा रहा है मजाक। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए चुनावी शोर कल शाम से थम गया है। अंतिम दिन सारी पार्टियां रोड शो करते नजर आए, वहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भारी, सोशल मीडिया पर जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की धज्जियां उड़ाती नजर आई। बता दें कि आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें वाराणसी सीट भी शामिल है। 19 मई को सातवें चरण का मतदान। इस चरण में यूपी की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13, मध्य प्रदेश की 8, वहीं झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होना है। जैसे जैसे 23 मई नजदीक आ रही है, हर किसी के दिल की धड़कनें बढ़ रही है। और गोदी मीडिया का लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा खेल चल रहा है। गोदी मीडिया नतीजे आने से पहले ये बता देती है किस पार्टी को कितने सीट मिलेगी, या फिर मोदी का फिक्स इंटरव्यू लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन जनता के सामने पोल खुल गई। कई बार जनहित में छोटी सी छोटी घटना को बड़ी घटना बना देना, या देश के हित में बड़ी सी बड़ी घटना को छोटी बना देना पत्रकारिता में आजादी है। जैसे कि पूरे 2 महीने से गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही करते नजर आए। मानो देश में मोदी मोदी के सिवा गोदी मीडिया के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है। एंकर न्यूज चैनलों में चल रहे हैं जो झूठ का साथ देने और अपने सम्मान को गिरवी रखकर रोजी रोटी का जुगाड़ में लगे हैं, चाहे वो रजत शर्मा, सुमित अवस्थी, अर्णब गोस्वामी, रोहित सरदाना, अंजना उपकश्यप, श्वेता सिंह या सुधीर चौधरी ही क्यों ना हो। इन दिनों ये पत्रकार स्पष्ट रूप से खुद को गोदी मीडिया का प्रवाची बना चुके हैं। इनका काम ही सिर्फ और सिर्फ झूठ को इस प्रकार फैलाना कि वह सच लगे। गोदी मीडिया झूठ, राष्ट्रवाद, नकली देशभक्त और विपक्ष के हर बात में कमतर का आंकना इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इनका बस एक ही धर्म बचा है, मोदी भक्त। यही मोदी भक्त इनके कार्यों को गोदी मीडिया बना देती है। मीडिया का पहला धर्म होता है कि सच और असली खबर की खोज करे। समाचार की प्रामाणिकता है गोदी मीडिया की पत्रकारिता का इन मूल्य सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। हम इसलिए आज गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं कि महिला पत्रकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। बता दें वायरल वीडियो किसी ऐसे वैसे पत्रकार की नहीं बल्कि अंजना ओम कश्यप का है। देखिए वीडियो। बता दें वीडियो में आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप को पूरी तरह से भीड़ ने घेर रखा है। ठीक उसके बगल में एबीपी न्यूज के पत्रकार अनुभव शुक्ला माइक लिए खड़े थे, लेकिन नारों के बीच वह अपना पीटूसी नहीं कर पाए। अंजना ओम कश्यप से खास तौर से बनारस में पक्का महाल के लोग बहुत ही नाराज है। दरअसल 2 दिन पहले उनके एक झूठ का पर्दाफाश स्थानीय लोगों ने किया।
जिसके बाद जनता में अंजना कश्यप को लेकर काफी गुस्सा था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते 9 मार्च को बनारस आए थे, उस वक्त अंजना ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने एक मंदिर की पुजारी से बात की थी। कथित नौजवान पुजारी ने उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना में खूब जुमले काढ़े और उनके चुनाव जीतने की कामना की। वह पुजारी फर्जी निकला। बता दें बनारस में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उक्त मंदिर की असली पुजारी का बयान स्थानीय लोगों ने लिया है, जो पिछले 21 साल से मंदिर के पुजारी है। उन्होंने साफ बताया है कि अंजना ने जिससे बात की थी वह नकली पुजारी था। असली पुजारी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के खिलाफ भी अपनी भावना का इजहार किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग आज तक और अंजना से बहुत नाराज थे। मौका मिलते ही जनता ने अंजना ओम कश्यप को घेर लिया और मोदी की दलाल है के नारे लगा दिए। आप भी देखिए वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।